राजधानी भोपाल के थाना कमला नगर क्षेत्र में बने प्राइवेट स्कूल में नाबालिग 3 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके पहले भी एक 8 साल की बच्ची से ऑर्चर्ड इंटरनेशनल स्कूल मिसरौद में भी मामला सामने आया है। इसके पहले बिल्ला बोंग में 3.5 साल की बच्ची से भी की गई थी। अब तक के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र द्वारा नाराजगी जताते हुए सख्त आदेश दिए हैं, जिसे पुलिस कमिश्नर द्वारा एक SIT टीम गठित करी है, जिसमें महिला थाना प्रभारी शिल्पा कौरव और थाना प्रभारी कमला नगर निरूपा पांडे को किया है, जिसको SEP महिला अपराध नीति सक्सेना करेगी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे क्या करती है। वहीं पुलिस एक अच्छा काम करती है, जिससे SEP निधि सक्सेना द्वारा स्कूल में जाकर बच्चों के बीच दोस्ती करती है और बताती है कि पुलिस हमारी दोस्त है, सभी को जागरूक करती है, हमेशा बच्चों के बीच एक दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए, बैड टच गुड टच की जानकारी देती है ताकि अपने घर वालों को भी कुछ बता सके। इसलिए बच्ची ने अपने साथ हुई घटनाओं की जानकारी घर पर बताई। अब देखना होगा कि क्या मोहन यादव द्वारा उसके मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा कि नहीं। भोपाल में आज 3 साल की बच्ची का उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला ध्यान में आया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है, जो वही स्कूल में था। ऐसी दरंगी दुर्घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूं और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करे। सर, 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया है। एक 3.5 साल की बच्ची से संबंधित एक मामला थाना कमला नगर में आया है, जिसमें उनके माता की तरफ से इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया 74-75 BNS का और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में आरोपी और बच्ची जिस विद्यालय में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसी का एक टीचर को इसमें पाया गया है और बाद में मेडिकल परीक्षण के बाद इस पूरे मामले में आरोपी को पहचान सुनिश्चित करते हुए इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शिकायत क्या करी थी सर? इसमें दुष्कर्म से संबंधित शिकायत आई है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित की है। क्या पहले बताया जा रहा उसकी माँ सर स्कूल भी गई थी, स्कूल ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था, उसकी बात आई था? अभी स्कूल से संबंधित उन्होंने शिकायत नहीं की है। अभी उन्होंने पुलिस को जब शिकायत की तो पुलिस ने तत्काल उसमें आरोपी को चिन्हित किया और साथ ही साथ आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के द्वारा अब क्या उसमें फास्ट ट्रैक में लेके जाएगा पूरा मामला? अब उसे पूरे मामले की विवेचना की जाएगी, चूंकि इसमें महिला अधिकारी ही FIR करती है, उन्हीं के द्वारा विवेचना होती है और इस पूरे मामले में अंतिम रूप से शीघ्र कार्रवाई करके इसको जल्दी से जल्दी इसमें चालान पेश करेगी। स्कूल की सर कोई भूमिका? अभी इसमें बाकी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है।